दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता बनाने की बात कही, साथ ही आवासीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इस पर भी ध्यान देने की बात कही। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष से देहरादून की जगह अपने विधानसभा टिहरी में सरकारी आवास देने की मांग की है। किशोर उपाध्याय ने पत्र लिखकर आग्रह किया कि उन्हें नई टिहरी में आवास आवंटित किया जाए और अगर उनके नाम से देहरादून में कोई आवास आवंटित हो तो उसे निरस्त किया जाए। हेमकुंड साहिब के कपाट कल यानी 22 मई को खुलने वाले हैं। आज सुबह 7:30 बजे पंच प्यारी की अगुवाई में पहला जत्था घांगरिया रवाना हुआ। आपको बता दें कि लगभग 3000 सिख श्रद्धालु जोशीमठ, गोविंद घाट और घांगरिया पहुंच चुके हैं। 9 बजे सचखंड से गुरु ग्रंथ साहब जी को पांच प्यारों की अगुवाई में दरबार हाल में बैंड बाजों की धुनों में सुशोभित किया जाएगा और सारी संगत गुरु ग्रंथ साहब के पीछे पीछे सतनाम श्री वाहेगुरु का जाप करते करते दरबार साहब में पहुंचेगी, उपरांत छोटी अरदास होगी। हम बहुत अच्छे से तैयार हैं, हम एक्साइटेड हैं, हम पूरी तरह से चढ़ेंगे और सबसे पहले जाएंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। केवल 15 दिन की यात्रा में 2.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। वहीं इस साल भक्तों को आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के भी दर्शन हो रहे हैं, जिससे भक्तों में खुशी देखी जा रही है। पहली बार ही 4 धाम यात्रा पे आए हैं। केदारनाथ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल की है, बाकी की भी बहुत सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैंने इससे पहले बद्रीनाथ के दर्शन करे और आज मैंने सुबह केदारनाथ बाबा के दर्शन करे। इस बीच में मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब हुई और एक दोस्त के पांव में चोट लगी है, दोनों अभी इलाज कराने के लिए आए हैं और इलाज की व्यवस्था देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम केदारनाथ पहली बार आए हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ आते ही एक जो मिरेकुलस फील हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है और यहाँ रहने की खाने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ का जो प्रशासन का जो निर्माण कार्य है वो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी अच्छा है, इतना मैं 100% ये बोलता हूँ। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी ने इतना जो डेवलप किया है वो बेहतर है, जो कि आधार का जो पक्ष है उनके इसमें ये नहीं हो पाता था जी। यहाँ का जो प्रशासन था हमें काफ़ी पसंद आया, लाइक फूड वो प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था हर लाइक जितने पीरियड में होना चाहिए उतना है, पानी मिल रहा है, लाइक वॉशरूम वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है वो कि हाँ उनको दिक्कत नहीं जाएगी, ये कहीं भी हो जाए उनके लिए है, बराबर है, प्रशासन काफ़ी अच्छा है। देखिए लगातार श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है केदारनाथ धाम में और व्यवस्थाएं भी पहले से सुधारी है। कई हमने इम्यूनिटीज जैसे रेन शेल्टर आदि के निर्माण की बात हम कर रहे हैं और शीघ्र उसको क्रियान्वयन करेंगे। रामवाड़ा पर एक नया ब्रिज का भी निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और घोड़े खच्चर के मूवमेंट को भी नियंत्रण में किया गया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान गंभीर रूप से बीमार तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 60 से ज्यादा बीमार और खाई में गिरने वाले यात्रियों को रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जल्द इलाज मुहैया करवाई जा रही है। देखिए अब तक करीबन 60 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और उनको इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई है। आज सुबह भी एक इमरजेंसी का केस था केदारनाथ धाम में, जिनको हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया है। तो निरंतर हमारे प्रयास हैं कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या किसी का स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो हम तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कैंप में अब तक 4000 से ज्यादा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। 2 दिनों में 1,75,000 तीर्थयात्रियों की जांच की गई है, जिसमें कई तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य ठीक न होने पर उन्हें वापस भेजा गया है। से जांच की जा रही है, यात्रियों की 50 साल से ऊपर वर्ष के जो यात्री हैं जिनको कोई समस्या है उनका तो अच्छे से परीक्षण किया जा रहा है। किसी किसी का बीपी या शुगर बड़ा भी आ रहा है तो उनको हमारी तरफ से ये रोका जा रहा है कि आगे ना जाए, उनको हम यहीं से वापस भेज रहे हैं और पूरी सहूलियत के साथ हम यहाँ पे ध्यान रखें और किसी को रेफर करना है तो हम हॉस्पिटल भी रेफर कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मनरेगा सहित अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई, जहां डीएम ने आधी अधूरी जानकारी के साथ प्रतिभाग करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और आगामी बैठक में पूरी जानकारी के साथ प्रतिभाग करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी यातायात पुलिस ने एक बार फिर मानवता दिखाकर समय से पहले महिला यात्री को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल एक महिला थरासू बैंड से आगे खाई में गिर गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी खड़ी चढ़ाई से महिला को अपनी पीठ में लाद कर ऊपर आए।
नई टिहरी में लचर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नगरपालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली और युवा एकता मंच के संयोजक आकाश कृषाली ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा, जिसमें अस्पताल में डायलिसिस और यूरोलॉजी यूनिट्स की स्थापना की मांग की गई। हर तीसरे दिन आप सुनते होंगे जो हार्ट के पेशेंट हैं, हम कार्डिक यूनिट खुलाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में खुल चुकी है, उत्तरकाशी में खुल चुकी है, टिहरी मुख्यालय में इसका बहुत नितांत आवश्यकता है। यहाँ हर तीसरे दिन कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है। जब तक हार्ट पेशेंट नीचे ले आते हैं नए नगरों में तो तब तक खत्म हो जाते हैं। तो हमारी ये स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है, एक पहले कार्डिक यूनिट और कार्डिक एम्बुलेंस यहाँ पर अति आवश्यक रूप से बहुत जल्दी यहाँ पर लगाने की कृपा करें। यहाँ पे कार्डियो नहीं है जिला मुख्यालय में, तो हमने इसी की मांग, मेन हमारा जो मांग है आज कार्डियो का है कि यहाँ पे एक होना चाहिए, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ऋषिकेश से देहरादून पहुँच पाए। पौड़ी में कंडोलिया से देवप्रयाग मार्ग तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी और जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन है, मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है, इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पौड़ी जी के हाथों से शुभारम्भ किया गया और इस दौड़ में दो वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूं। मौसम विभाग ने 24 मई तक राज्य में चार धाम समेत अनेक जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के बाद कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। 21 से लेकर 24 तक जो है जो मौसम है प्रदेश में बदलेगा और उसकी वजह से आप देखेंगे कि 21 और 22 तारीख में जो है पहाड़ों में अनेक जगह में हल्की से मध्यम जो बारिश है या गर्जन के साथ जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी अनेक जगहों तक में। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।